अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है, ये गुजरांवाला बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्ज़ाम्स हैं, स्पेशली इंटर पार्ट टू, वो नहीं हुए। अब बोर्ड ने क्राइटेरिया ये बनाया है कि जो मार्क्स हम बच्चों को देंगे उनकी कुछ मुख्तसर सी डिटेल आपके सामने हैं। इंटर पार्ट टू के वो स्टूडेंट्स आप पहले देखें इस कैटेगरी में। यहाँ पर मिस्टर ए, इसने फ़र्ज़ करें पार्ट वन में 400 मार्क्स जो हैं वो अवेल किए, अब पार्ट टू के एग्ज़ाम्स नहीं हुए, तो इन केस में इन मिस्टर ए को गुजरांवाला बोर्ड 400 भी देगा, साथ में प्लस करेगा 3%। तो अब आप देखें यहाँ पर 400 में 3% ऐड हो चुका है, और 400 का 3% ऐड करके टोटल 412, 400 प्लस 412, तो स्टूडेंट के 812 नंबर जो हैं वो मिस्टर ए के आएंगे। अगर ये स्टूडेंट एफएससी या आईसीएस का हुआ जिनके प्रैक्टिकल्स होने हैं, तो बोर्ड अपनी तरफ से ये क्राइटेरिया बनाएगा कि कितने परसेंटेज वाले मार्क्स स्टूडेंट जो लेंगे उनको कितने मार्क्स प्रैक्टिकल के दिए जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मिस्टर बी की। मिस्टर बी ने पार्ट वन में लिए 300 नंबर, और इनकी इंग्लिश में जो है वो एक सप्ली है पार्ट वन में। तो अब होगा यूं कि जो इनकी पार्ट वन की सप्ली है इंग्लिश की, बोर्ड इनको 33 नंबर उसमें देगा, तो इनके हो जाएंगे पार्ट वन में 333। बोर्ड पार्ट टू में भी इनको इंग्लिश में सिर्फ 33 नंबर ही देगा, और जो प्रीवियस 300 उन्होंने लिए वो नंबर दोबारा लगकर 333 का जो 3% है वो ऐड किया जाएगा, जो कि टोटल इनका जवाब आएगा 676। आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर 300 इनका पार्ट वन वाला वही, और 33 जो इंग्लिश में सप्ली आई वो, और इनमें प्लस किया जाएगा 3% इजाफी 333 का। आगे नेक्स्ट कैटेगरी अगर हम देखें तो यहाँ पर मिस्टर सी आते हैं। मिस्टर सी ने पार्ट वन में 190 नंबर लिए, जबकि इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात में 3 सप्ली ले ली। तो याद रखिए, बोर्ड ने ये रूल बनाया है हु स्टूडेंट्स, जो बच्चे 3 या 3 से ज़्यादा सप्लियाँ रखते हैं, 2 स्टूडेंट्स, तो उनको पार्ट टू में कंसीडर किया जाएगा कि वो फेल हैं। तो ऐसे बच्चे जो होंगे वो दोबारा री अपीयर होंगे, इनके दोबारा एग्ज़ाम्स होंगे, जिसके बारे में एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ कि वो स्पेशल एग्ज़ाम्स जो हैं उनको वो कंसीडर होंगे, उनमें वो अप्लाई करेंगे और पेपर देंगे। आज की ये वीडियो है हमारी, ये बात दोबारा रिपीट करते हो, जिनके प्रैक्टिकल्स होने हैं वो बोर्ड खुद तय करेगा कि कितनी परसेंटेज वाले को कितने प्रैक्टिकल के मार्क्स देने हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।